लोग कहते हैं सोशल मीडिया बच्चों की चीज है जी, वही मैं बता रहा था। एग्जैक्टली मैंने सुना। एक बात याद रखिए, साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से कमाल के दिमाग वाले लोगों ने सोशल मीडिया और ऐसे ऐप्स को मेरे जैसे, जिसको मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज हूँ, इडियट प्रूफ बना दिया कि मैं भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए नहीं यार ये बच्चों की चीज़ है। नहीं, मैं 1965 की पैदाइश है मेरी, सो आई एम द विंटेज ऑफ 65, बट आई एम ब्रीदिंग इन 2023। अब तो आपने एक नया फेज ऑफ लाइफ में आपने घुसा, आगे क्या है फ्रेंड्स? आगे जिंदगी में चलते रहना है। मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे अभिनय का बहुत शौक है, मुझे लोगों से मिलने का शौक है। पता है मैं उतना खाता नहीं हूँ जितना दिखाता हूँ। हर कोई वही होता है सर। हाँ। तो मुझे भी कहा जाता है कि आप मतलब दावत पे दावत खाते रहते हो, लेकिन मैं उतना खाता नहीं जितना लोग कहते हैं। तो मेन चीज क्या है कि आपको भी ऐसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मुझे भी लोगों से मिलना बहुत अच्छा भी है ना आपको। तो मेरे ख्याल से जिंदगी में अगर हम जो चीज पसंद करते हैं उसको अपने काम के साथ जोड़ सकें, उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं। तो मैं एज एन एक्टर भी, इसीलिए मैं, बहुत एक्टर्स होते हैं ना सिर्फ बाउंसर्स के साथ घूमते हैं जी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कूदता हूँ लोगों के बीच में और समय से निकल जाता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई इंटेंड टू डू, कीप ट्रैवलिंग इन लाइफ, कीप मीटिंग इंटरेस्टिंग पीपल और लोगों से और ज़िंदगी के बारे में बातचीत करता रहूँ। सर, ऐसा कोई किरदार है जो अफसोस है कि आप ना कर पाए? कोई अफसोस नहीं, जहाँ जहाँ जो जो अगर जो हुआ है शुक्रिया हो, नेक्स्ट के लिए लगाओ। आज भी आते आते एक स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आ रहा था गाड़ी में, आज भी अभी शाम को कुछ देर में, बस कुछ ही देर में जाके एक ऑनलाइन इवेंट करूँगा जिससे और काम मिलेगा। हमेशा काम ऐसा करो जिससे और काम मिले, समझे ना। तो अफसोस के लिए मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त है कि क्या मैं अपने अगले काम के लिए तैयार हो सकूँ। टेक्नोलॉजी सर अब AI तक पहुँच गया है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, कहते हैं हो रहा है कंटिन्यूअसली, लाइफ और चैलेंजिंग होगा हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज, लाइफ विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी। AI को सर आप किस तरीके से देखते हैं? एकदम इनेविटेबल है, इनेविटेबल आ चुका है, अब उसके साथ खेलना शुरू कर दें। उंगलियां मत पोछिएगा सर, इसको एक बार चखना है। नहीं, अभी मेरा हो गया, हो गया मेरा, हो गया, करेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो लाइफ में जो चीज है उससे घबराना नहीं है, AI आ चुका है, अब उसके साथ हमें नाचना है। आशीष विद्यार्थी अगर एक्टर नहीं होता तो कुछ पता नहीं क्या होता। मैं जैसे इस वक्त अभिनेता नहीं हूँ, इस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खासियत ये रही है कि मैं बहुत सारे आयामों में अपने आप को ढाल लेता हूँ। मैं रूटलेस हूँ, कंफर्टेबली रूटलेस। मेरे पिताजी केरल के हैं, मेरी माता जी, माई मदर्स फ्रॉम राजस्थान, बट शी इज़ बंगाली, and I am born in Delhi. I grew up then, since 92 I have been in Mumbai, 99 all over the country. I am comfortably rootless. मैं हर जगह में अपने आप को ढूंढ लेता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इतने जगह जा पाता हूँ, इतने कल्चर से मीट कर पाता हूँ, इतने जगह के लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं उनको प्यार करता हूँ। सो एवरी डे इज़ एन ओपनिंग फॉर मी, वॉट नेक्स्ट इज़ पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड। सर जब आप मोटिवेशनल स्पीक करते हैं तो अमूमन हर मोटिवेशनल स्पीकर अपनी लाइफ से ही बोलते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और इससे मैं ये सीखा हूँ। तो आप जब लोगों से बात करते हैं सर, अपने लाइफ को किस तरीके से रखते हैं जैसी है ताकि लोग आपसे सीखें? मतलब नहीं, एक बात याद रखिए, हम में से किसी को किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों से सिर्फ एक चीज़ शेयर करता हूँ, अगर हम सबकी ज़िंदगी ऐसी हो जहाँ पर हम जो चाहते हैं हम वो कर पाने की क्षमता रखते हो, उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकती है ना। कि वॉट यू वॉन्ट टू डू यू डू, वॉट आई वॉन्ट टू डू आई डू। माई टॉक्स आर ऑल अबाउट एम्पावरिंग पीपल टू डू वॉट दे वॉन्ट टू डू। मैं अपनी ज़िंदगी से ये शेयर करता हूँ कि दोस्त, ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि तुम नहीं गिरोगे सर, लेकिन गिर के अपने सपनों को छोड़ो मत। एक चीज़ है सर, ये अब इस एज में वन थिंग दैट एक्चुअली वरीज एवरीबडी इज बाउट्स ऑफ डिप्रेशन। वेरी 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 कन्वीनियंटली पीपल मूव इनटू डिप्रेसिव मूड स्विंग्स। व्हाई इज इट?
Like you are such a positive person. Though you are a villain. No. And not. And you can feel depressed at any age. Okay. You can feel depressed at any age. You do feel depressed? Of course. What do you do then? So I communicate with people. I reach out. I seek help. Just to let you know, it is completely okay to reach out and get coached. Psychiatrist will you, you reach out to people and you get, and tell them that I am depressed. No. See, depression एक डायग्नोसिस है उसको आप मैं और आप अपने आप को या किसी और को हम लोग नहीं कह सकते यू हैव टू रीच आउट टू पीपल वो आर प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट जिनसे आप बात कर सकते हैं जो आपको कोच कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे आप दवा आपको हो सकता है वो लोग आपको दवा दे देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दोस्त प्लीज़ अंडरस्टैंड आई हैव गॉन थ्रू दैट फेजेस वेर यू फील लो डाउन एंड आउट You have seen psychiatrist? Of course. देखिए जिंदगी में मदद मांगने में शर्म नहीं करिएगा इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी में हम लोग इतने डरे रहते हैं कि हम किसी को बताएंगे नहीं जैसे होता था ना पहले जब हम लोग बड़े हुए थे जब स्कूल में था तब कोचिंग लेना फेलियर करते थे सिर्फ जब फेलियर होते थे ना वही कोचिंग क्लासेस लेते थे हाँ ना तो बड़े छुपके लेता था कि ट्यूशन क्लास ले रहा है आजकल ट्यूशन लोग खुले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ज़रूरत है आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना अगर खांसी होती है मेंटली अगर आप लो फील करें दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ थिंग वेर यू आर फीलिंग अनवेल आप मदद लीजिए और उससे आप उबर सकते हैं एक चीज़ हमेशा याद रखिए ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो हमेशा हंसते रहते हैं ये उन लोगों की भी है जिनको रोना आता है जो अपसेट होते हैं और हम सबका काम ये है कि एक दूसरे को ये बता के चले कि हो सकता है किसी को कोई एडिक्शन है इसका मतलब थोड़ा ना कि उनको छोड़ दें उनको छुपा करके नहीं उनको भी सामने लाएं उनकी मदद करें ताकि उस एडिक्शन से वो हट सके सो द ओनली थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज ईच वन ऑफ अस इज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट आई सेलिब्रेट माय इम्परफेक्शंस है ना जिसको मैं कहता हूँ आई रिकॉग्नाइज माय फ्लॉसमनेस I've got flaws and I'm an awesomely flawed person. तो हम लोग जब अपने कमियों को छिपाने से डरे ना that is when life happens and so I'm very very happy that I could have this conversation with you. So in between a nice warm day in Guwahati, आपके साथ मैंने वक्त बिताया अतुल के यहाँ पर खाना खाया It is my privilege sir to have you and that too on a dining table yes. where you actually cooked food for us. I'm so happy. Normally people get to see you savoring. Just savoring, yes. This is one time that you cook and I believe that you will cook this thing for... Rupali, I will. Mm-hmm. With fish I will make this, yes. There's this fish also, sir. Yes, I loved it. I just loved it. Really enjoyed it. So thank you so very much for inviting me for this interaction in Guwahati. And thank you very much that you come and listen to his incisive comments and his interview. Your interviewing skills are amazing. Thank you, I'm really, really very happy to have participated in this.